नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक चींटी से पूछा कि तुम साल भर में कितनी खुराक खाती हो। चींटी ने अर्ज किया है, पैगम्बर खुदा, मैं साल भर में सिर्फ दो दाने खाती हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सिर्फ दो दाने? फिर उन्होंने चींटी को पकड़कर एक बोतल में बंद कर दिया और साथ में दो दाने भी डाल दिए और बोतल को अच्छी तरह बंद करके किसी महफूज जगह पर रख दिया। एक साल बाद उन्होंने बोतल को खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि चींटी ना सिर्फ जिंदा थी बल्कि उसने दो दानों की बजाय सिर्फ एक दाना ही खाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुमने तो कहा था कि मैं साल भर में दो दाने खाती हूँ मगर तुमने तो सिर्फ एक दाना खाया है। उस पर चींटी ने कहा कि मैं पहले खुदा पर यकीन रखते हुए दो दाने खाया करती थी, चूँकि अब मैं एक इंसान के अख्तियार में हूँ, क्या पता वो मुझे एक साल की बजाय दो साल बाद यहाँ से निकाले, इसलिए मैंने अगले साल के लिए भी दाना रख लिया। ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आई और उन्होंने खुदा की बारगाह में अर्ज की कि ऐ मेरे रब, तमाम मखलूकात को रिज्क कयामत तक तू ही दे सकता है, अगर तूने ये जिम्मेदारी किसी इंसान को दी होती तो लोग भूखे मर जाते। नाज़रीन, चींटी एक ऐसा जानदार है जिसके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत नाजिल की गई थी। अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमाते हैं, और सुलेमान के लिए उसके लश्कर जमा किए गए जो जिन्नों और इंसानों और परिंदों से थे, फिर वो अलग अलग तकसीम किए जाते, यहाँ तक कि वो चींटियों की वादी में आए तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें पीस ही न डालें और उन्हें उसकी खबर भी ना हो। ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और उन्होंने अपने लश्कर का रुख उस वादी से मोड़ लिया। नाज़रीन, चींटी एक समझदार, चालाक और महज़ब तरीके से रहने वाला हशरातुल अर्ज़ है और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा भी किया है। आज ये साइंसदान भी तस्लीम कर रहे हैं कि चींटी का मुआशी और समाजी निज़ाम सब हशरातुल अर्ज से अलग थलग और बेहतर है। यही वजह है कि साइंसदानों ने चींटी पर बहुत सारी तहकीकात भी की हैं, जिनमें से एक बात यह भी साबित हुई है कि जब एक चींटी किसी दूसरी गिरोह से आने वाले बिन बुलाए मेहमान से लड़ाई करती है तो वो उस चींटी की बू को याद रखती है और फिर इस बू को तमाम गिरोह में मुंतकिल कर देती है। इस तरह तमाम चींटियां इस बू को याद रखती हैं और अगली बार जहां पर भी ये चींटी नजर आती है उसको इस बू के जरिए पहचान लेती हैं। नाज़रीन, चींटी के बारे में मशहूर है कि इसकी एक ऐसी किस्म भी होती है जो कि शहद बना सकती है। इस किस्म की चींटियां अपने बिलों में रहती हैं और जमीन के नीचे ये खुराक दूसरी चींटियों से हासिल करती हैं। बाहर से आने वाली चींटियां फूलों का रस चूस कर आती हैं और बिल में फुजला खारिज करती हैं। इस तरह शहद बनाने वाली चींटियां इसे चूस लेती हैं जिससे शहद बनता है। ये शहद अंगूर के दानों की तरह बनता है और ऑस्ट्रेलवी लोग इस शहद को खाते भी हैं। चींटी के बारे में ये बात भी मशहूर है कि बारिश होने से पहले इसको पता चल जाता है और ये अपने घर या कॉलोनी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। ये अपने घर के गिर्द मिट्टी का ढेर बना देती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर में दाखिल ना हो सके। इनमें कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर उसे महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। इसी तरीका को साइंसदान भी इस्तेमाल करते हुए बारिश की पेशगोई करते हैं। चींटियां अंटार्कटिका के अलावा हर जगह पाई जाती हैं। चींटी एक ऐसा कीड़ा है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि ये अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। एक दफा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस एंडलिन ने चींटी की एक तस्वीर उतारी जिसमें ये देखा जा सकता है कि चींटी अपने वजन से 100 गुना ज्यादा बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाए खड़ी है। इस तस्वीर पर डॉक्टर एंडलिन को 700 पाउंड इनाम भी दिया गया और ये तस्वीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल की गई। नाज़रीन, चींटी के बारे में जितनी भी तहकीक की जाए कम है क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक शाहकार है और इससे एक और बात भी साबित होती है कि इंसानों के अलावा जानवरों, परिंदों और हत्ता के कीड़े मकोड़ों में भी तहजीब और तमद्दन पाया जाता है। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो को समेटना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।